हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत छे। आज आप कक्षा 8 इकाई 6 भरत जेनो आपणे सरस मजानू अभ्यासनू सोल्यूशन जोयू, हवे आपणे स्वाध्यायनू सोल्यूशन जोईए। तो मित्रों जोईए, अंत तक वीडियो निहाळशो। प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो इनो जवाब छे, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा, दुष्यंत बालक के प्रति आकुष्ट क्यों हो रहे थे? तो उसका जवाब है, बालक स्वच्छ सुंदर निर्भीकत तथा हटीला था, उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा, दुष्यंत ने पुरुवंशिया जीवन की कौन सी दो रीतियों बताई? तो पहली, वे युवावस्था में महलोग में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न दो, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो मित्रों, अँ सरस मजानू चित्र छे, बराबर, एना परथी तमारे एना परथी शू बनावानी छे, एक कहानी वार्ता बनावानी छे। तो आपने खबर छे, वृक्ष कापी रह्यो छे, कुहाड़ी छे ए नदी में पड़ी रही छे, भगवान एमने सोनानी कुहाड़ी आपे छे, ए ना पाड़ता हशे तो भगवान एमने बे कुहाड़ी आपता हशे, जे वगैरह छे। तो जोईए, लक्कड़हारा और देवदूत। एक लक्कड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियों काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लक्कड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लक्कड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वही बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा, उसकी दृष्टि लक्कड़हारे पर पड़ी। उसने लक्कड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लक्कड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लक्कड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लक्कड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत ने लक्कड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों भी लक्कड़हारे की इनाम के रूप में दे दी। तो आ साथे मित्रों सरस मजानू आज स्वाध्याय हेतु भारत, तो एनु सॉल्यूशन आपणे जोयुं। अहींया सुधी राखी, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।